सागर में विकासखंड के सकरौली गौशाला में गर्मी के कारण गाय की हालत खराब होती नजर आ रही। उचित रख रखाव न होने के कारण गर्मी के कारण दम तोड़ रही गाय। वहीं बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम बनते ही निर्देश दिया था कि गौ माता सड़कों पर आवारा बेसहारा घूमती नजर नहीं आनी चाहिए, वरना होगी कार्रवाई। सीएम की यह चेतावनी का हो रहा बेअसर। सड़कों का हाल तो छोड़िए, गौशाला में भी गायों की हालत दुर्दशा हो गई। तपती गर्मी में ना उनके लिए पर्याप्त टीन शेड है और ना ही चारे की कोई व्यवस्था है। पानी की टैंकी तो है लेकिन पानी नहीं है। विकास खंड के सटे सकरौली गौशाला में गर्मी के कारण गायों की हालत खराब होती नजर आ रही। उचित रख रखाव ना होने के कारण बीमारी के कारण दम तोड़ रही गाय। बड़ी बात तो ये है, गौशाला की संख्या के नाम पर सरकार को भी चूना लग रहा है। गौशाला में 31 गौवंश रजिस्टर है, मौके पर कुल 18 गौवंश है। केयरटेकर का कहना है कि गौशाला में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में विकासखंड की जिम्मेदारी अधिकारी पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मिला है। आप किस गौशाला में तैनात हैं? हाँ। किस गौशाला में हैं आप? यही सकरौली। सकरौली केयरटेकर हैं आप? हाँ। अकेले ही हैं? अच्छा, कितने गाय हैं आपके यहाँ? इतने टाइम भी से कई हैं सर, लेकिन रजिस्टर पर दर्ज तो 31 है। हाँ, अभी दर्द है 31, लेकिन 31 साहब नहीं पूरी। और इसमें क्या इनको पानी वाले के लिए इनकी सुविधा नहीं है? नहीं, कोई साहब नहीं। पंपा थे दिनामान हैरान, पानी चलाओ चलाओ साहब पंप से। हाँ, तो आप पूरे नहीं कर पाते होंगे? हाँ, ना हम बहुत दिनामान पानी की और रहे थे। तो ग्राम प्रधान ने इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, सबसे बता दें, जितने साहब लोग आए और प्रधान आए, सबसे हम कहा कोई व्यवस्था नहीं कर रहा साहब, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, कोई व्यवस्था नहीं। कितने गौवंशों की मौत हो चुकी है पिछले एक महीने से अब तक? नहीं, हम साहब जब से है तब से दो गाय वही मरी रहे हैं। डॉक्टर साहब को हमने फोन किया है, आ रहे हैं, दो गाय सिर्फ मरी है। हम जब तब से बुढ़ी गाय थी वो। हाँ। दो सिर्फ, चौथा महीना हमारा चल रहा है साहब। आपको आए चौथे महीने हो गए? हाँ हाँ।